के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सौंपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी को चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हब पावर कंपनी द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया गया। कुछ यूजर्स पाकिस्तानी कंपनी से बीजेपी को चंदा मिलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने कांग्रेस को चंदा मिलने की बात कही है। डी फ्रैक की टीम को जांच के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक हब पावर कंपनी पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक भारतीय कंपनी है। जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्व दिल्ली स्थित यह कंपनी 2018 में रजिस्टर हुई थी। वहीं जिस पाकिस्तानी कंपनी की बात हो रही है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड है। डी फ्रैक के फैक्ट चेक से साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने वाली हब पावर कंपनी पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारतीय कंपनी है, इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किया जा रहा दावा मिसलीडिंग है।